दो घंटे के अंदर 1 करोड़ रुपए की वसूली हुई है, तो परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। परिवहन मंत्री ने खुद वसूली की है, जो जुर्माना राशि है उसको खुद वसूला है। हमीरपुर से महोबा मार्ग पर यह वसूली हुई है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। मंत्री जो है दयाशंकर सिंह है, डर के मारे खड़ी इसलिए है कि रोज इस तरह से चलती है, और आप देखिए अब इसको नहीं बंद किया जाएगा तो ये हमारी वार्निंग है, और अगली बार हजारों गाड़ी, एक नहीं हजारों गाड़ी खड़ी है, और इसका मतलब ये नहीं कि जब हम लोग चलेंगे तो गाड़ी रोड से खड़ी कर देंगे, और जब हम लोग नहीं रहेंगे तो जो है सब इस तरह से ओवरलोडिंग चलेगी, सारी गाड़ी ओवरलोडेड। मैं देखिए ये पहला है इसलिए मैं वार्निंग है हमारी, और कल से यदि ये नहीं रुकेगी तो जब अब मैं पकड़ लूंगा तो फिर 250 गाड़ियां जो है उनका चलान हुआ है। के बख्श सिंह हमारे साथ बने सलाहकार संपादक। सर एक बड़ा कदम, जहां हम देखते थे कई सारी गाड़ियां ऊपर से कुछ पैसे दे के निकल जाती थी, लेकिन 250 गाड़ियों के चलान, इसका मतलब काफी समय से इस तरह से चल रहा था ओवरलोडिंग का मामला। सर निश्चित तौर पे अवैध खनन से जो वो गाड़ियों को ओवरलोडिंग होती थी उसकी गाड़ियां पे चलान किया गया। एक्चुअली हुआ ये कि परिवहन मंत्री को एक निजी कार्यक्रम में किसी जहां जाना था, वो कहीं से वो लौट रहे थे, हमीरपुर से महुआ जा रहे थे। ये रात के 2:30 बजे घटना है, 300-400 गाड़ियां रोड पे रोक दी, मतलब प्रोटोकॉल के तहत रोक दी गई। उन्होंने परिवहन जो परिवहन विभाग के जो अफसर थे आरटीओ सबसे पूछा कि इतनी गाड़ी को भीड़ कर, उनका था प्रोटोकॉल तहत लगाया चूंकि मंत्री जी गुजरा है ऐसा, तो उन्होंने कहा अच्छा गाड़ी रोक दो। गाड़ी उन्होंने रोकी और उन्होंने कहा कि इतनी गाड़ियां कैसे खड़ी, तो वो बार बार ये लोग कहते रहे कि साहब प्रोटोकॉल के तहत रोकी गई, आप निकल जाएंगे गाड़ियां छोड़ दी जाएंगी, लेकिन मंत्री माने नहीं। और उन्होंने कहा ऐसा है कि इनका तिरपाल हटाइए, तिरपाल में तो देखा जो मौरंग बालू खनन की जो सामग्री होती है जितना निर्धारित लोड था उससे अधिक था। मंत्री इसी बात पे बिगड़ गए और परिवहन अधिकारी को लताड़ा भी, और 250 गाड़ियों की उन्होंने स्वयं तिरपाल उठा के चेकिंग की और 1 करोड़ रुपए के तत्काल वसूली का आदेश दिया, वसूली हो भी गई है। तो सर ये माने कि जो शासन का जो राजस्व है उसका चूना लगा रहे थे जो अधिकारी हैं उनकी मिलीभगत से, साफ माने इस बात को? निश्चित तौर पे मंत्री जी के अनुसार ये गाड़ियां जो खड़ी गई मंत्री जी के निकलने के बाद उसे वसूली करते गाड़ियां छोड़ देते, क्योंकि मंत्री जी सजग हो गए और उन्होंने ये देखा कि ये तो ओवरलोड गाड़ियां हैं, तो मंत्री जी को शंका पे हुई है, उन्होंने 10-12 गाड़ियों को चेकिंग किया, अधिकारियों से कहा कि सारी गाड़ियों को चेकिंग कर हमें रिपोर्ट दें। तो परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 1 करोड़ रुपए की वसूली कर ली गई है और 250 गाड़ियों का चालान किया गया है, और उन्हें चेतावनी दे दी गई कि अब ऐसा करें तो वो। और मंत्री जी ने एक बात और कही है कि अब हम ऐसा कोई कानून लाने जा रहा है प्रदेश में कि जैसे कि सपोज कीजिए कि एक गाड़ी पर 100 टन का भार लादने की व्यवस्था है, तो 100 और वो 200-250 लाद लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो एक ट्रक की जो एक वाहन की कैपेसिटी होती है वाहन किसी चीज को वाहन करने के लिए, तो उस कैपेसिटी के लिए वो एक ऐसा कानून उतनी कैपेसिटी कर लें, तो इससे ओवरलोडिंग का मामला साल्व हो जाएगा और सरकार को ज्यादा वसूली भी होगी। बिल्कुल सर, तो कुल मिलाकर योगी सरकार के मंत्री का एक अच्छा कदम, सराहनीय कदम, ताकि जो गोरख धंधा चल रहा है अधिकारियों की मिली भगत के साथ उस पर लगाम लगेगी और राजस्व को भी फायदा होगा और जिसका फायदा आम जनता को योजनाओं के माध्यम से मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जहां परिवहन मंत्री द्वारा जुर्माना वसूला गया है, अवैध तरह से जो ओवरलोडिंग का ये काम चल रहा था, और जब हम लोग मंत्री ने खुद मौके पर पहुंच कर इसको देखा और अधिकारियों को फटकार लगाई और वसूली भी करवाई, इसलिए मैं वार्निंग है हमारी, और कल से यदि ये नहीं रुकेगी तो जब अब मैं पकड़ लूंगा तो फिर उसकी आप लोग समझे। हजारों गाड़ियां हम इधर से चल रहे हैं तो खड़ी की गई है इसलिए जो रोड पर न रहे क्योंकि सब ओवरलोड चल रही है। हम लोगों ने 24 घंटे की लगा रखी है। ये क्या है, खोल के दिखाओ। इस तरह से बिना आप लोग के मिली भगत कैसे गाड़ी किसे चल रही है? 24 घंटे की हमने चक्रा को ड्यूटी लगवाई सर, डीएम साहब के खुद। मैं इधर से चल रहा हूँ सर, हजारों गाड़ी इस तरह से खड़ी वो सर डर के मारे खड़ी है, डर के मारे खड़ी इसलिए है कि रोज इस तरह से चलती है, और आप देखिए अब इसको नहीं बंद किया जाएगा तो ये हमारी वार्निंग है, और अगली बार हजारों गाड़ी, एक नहीं हजारों गाड़ी खड़ी है,
और इसका इसका मतलब ये नहीं कि जब हम लोग चलेंगे तो गाड़ी रोड से ऐसे खड़ी कर देंगे और जब हम लोग नहीं रहेंगे तो जो है सब इस तरह से ओवरलोडिंग चलेगी, सारी गाड़ी ओवरलोडेड। मैं